टिप्स में हसीना आपको अपने यूट्यूब चैनल हसीना टिप्स पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने कमेंट किया कि बच्ची को जब जुकाम लगती है तो उसको कैसे घरेलू नुस्खे से ठीक कर सकते हैं, तो प्लीज़ मैं वहाँ बताइए, मेरे को ये रिक्वेस्ट आई है तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको इसके वीडियो के बारे में बताऊंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को ज़रूर देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बच्चे को जब जुकाम लगे तो क्या करें। सबसे पहले बच्चे की इतनी सावधानी रखिए कि अभी मौसम ऐसे चल रहा है कि कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप होती है, कभी ठंड हो जाती है, कभी सर्दी लगती है, कि बड़ों को भी जुकाम हो रही है तो बच्चों को तो होनी ही है। तो आप बड़े ध्यान रखेंगे पानी वानी का, और बारिश आए तो गर्मी के कारण आप बाहर नहीं जाएं कि बारिश आ रही है, थोड़ी ठंडक महसूस होगी, लेकिन वो ठंडक आपको लगती है तो आपको सहन तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चे सहन नहीं कर सकते हैं, तो वो ठंडक आपको उतर जाती है। आपका दूध पीता है बच्चा तो उसको, बच्चे को लग जाती है ठंड। तो आप प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए तो बच्चे को जुकाम की बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे कि मैं ठंडा पानी में, अभी गर्मी आई है तो कि चलो मैं मटका अगर भी ठंडा पानी पी लूँ कि ठंडा मटका है तो मैं उसका पानी पी लूँ, तो उससे भी वो आपको ठंडा लगेगा लेकिन बच्चे को ठंडा पानी नहीं लगेगा, तो बच्चे को आपकी सर्दी बच्चे को उतर जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि बच्चे को सर्दी नहीं लगनी चाहिए। एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ऐसा पानी भी आपको नहीं पीना चाहिए कि मैं ठंडा पानी पीऊँगी या जूस पी रही हूँ, कि जूस भी आजकल बर्फ़ डाल के लोग देते हैं, नींबू पानी भी देते हैं तो वो भी बर्फ़ डाल के देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरे को फ्रिज व्रिज का पानी भी नहीं पीना है, कि मेरा छोटा बेबी है तो उसका सुरक्षा करना आपका माँ का कवच है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए कि मैं क्या बता रही हूँ इस नुस्खे के बारे में। तो जब भी बच्चे को जुकाम लगती है तो आप ध्यान रखिए कि बच्चे की छाती के ऊपर एक पान का पत्ता जो बाज़ार से मिल जाता है आराम से 5 रुपये 10 रुपये में मिल जाता है, तो वो पत्ता ज़रूर मंगाए। पान का पत्ता अगले वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये नुस्खा मैं अपने बच्चों के ऊपर भी बताती हूँ कि जो कि मैं नुस्खा बताती हूँ वही मैं आपको बताती हूँ, किसी के कहने पे मैं नहीं बताती हूँ कि किसी के बच्चे को नुकसान हो जाए, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती हूँ। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और मैं भी ये नुस्खा अजमाती हूँ, जब भी उनको सर्दी जुकाम लगता है तो मैं उनके लिए एक पान का पत्ता बाजार से मंगाती हूँ जो 5-10 रुपये से आराम से मिल जाता है। तो आप उसको मंगा के दिन में लेके आ जाए तो उसको पानी में मटकी में डाल दो, और रात को जब भी बच्चा सोए सो जाए उसके बाद आपको उस पत्ते को बाहर निकालना है, उसकी डंडी तोड़नी है, वह जो बड़ी पीछे डंडी होती है वो मोटी डंडी उसको तोड़नी है, फिर उसको साफ पानी से पूछ के फिर उसके ऊपर हल्की सी जो बच्चों वाली विक्स आती है वो लगाए, और जो मतलब 1-1.5 महीने का बेबी है तो उसके ऊपर विक्स भी नहीं लगाए, उसके ऊपर सिर्फ तेल लगा दें, जो भी आपके बच्चों की मालिश करते हैं वो तेल लगाए या सरसों का तेल लगाए, वो लगा के हल्का सा वो गर्म करके फिर उसको ठंडा करके जब बच्चा सो रहा है, ठंडा होने के बाद ही ध्यान रखना कि पत्ता बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म गर्म कभी नहीं लगाना चाहिए। इस बात का आप माताओं को ध्यान रखना है कि जब भी बेबी के पत्ते बांधे और उसके छाती पे रखे तो आधा पत्ता किस तरह से रखना चाहिए पत्ते को, वो मैं बता रही हूँ, वो पत्ता आधा छाती के ऊपर रखना और आधा पेट के ऊपर आना चाहिए। ध्यान रखना उस पत्ते को आधा पेट के ऊपर आधा छाती पे रख के और उसको बच्चे को आराम से सुला दो, जब भी वो बरियान टी शर्ट कुछ भी पहन रखा है तो उसके अंदर डाल दो, वो आराम से सो जाएगा, और वो रात भर रेख भी रहना तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखना है। अगर बेबी अगर उसको चुभ रहा है तो आप 2-3 घंटे से उसको निभान निकाल सकते हैं, वैसे तो वो चुभता नहीं है क्योंकि जैसे जैसे उसकी सर्दी खींचती है उस पान के पत्ते से, वैसे वैसे वो पान सूख के एकदम सूखा पत्ता हो जाता है। आप ध्यान से देखना
कि जब हम बच्चे के शरीर पे उस पत्ते को रखते हैं तब वो एकदम नरम होता है, एकदम हरा होता है, और जब भी हम उस पत्ते को सुबह के टाइम या 2-4 घंटे बाद उस पत्ते को हम निकालते हैं तो ध्यान से देखना कि वो पत्ता बिल्कुल सूख जाता है, सूख जाता है, एकदम लकड़ी कलर का हो जाता है वो पत्ता। तो उससे बच्चे की अंदर की जो सर्दी होती है वो सर्दी सोख लेता है उस बच्चे की। तो आप एक दिन से फर्क नहीं पड़े तो उसको एक दिन बांध दे, फिर दूसरे दिन नहीं बांधे, फिर तीसरे दिन वापस बांध सकते हैं। और उस ध्यान रखना कि बच्चे के पत्ते बांधने के बाद उसके कोई शरीर पे साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, किसी की चमड़ी सूट हो जाती है, किसी की नहीं होती है। अगर बेबी की जो वो बांधने के बाद दूसरे दिन बेबी की कोई चमड़ी के ऊपर कोई दाने हो जाते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किस कारण से होते हैं, उन पे भूसिया या उन पे कोई चमड़ी पे कोई शरीर पे कोई हो जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर प्लीज़ दोस्तों आप मुझे बताना कि बेबी के हमारे ये इस बांधने से ये तकलीफ हुई, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए या लाइव वीडियो भी देख सकते हैं और आप मेरे से बात कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेबी के किस कारण से वो हो रही है। तो आप इस बारे में ध्यान जरूर रखना। ये पहला नुस्खा है, आजमाया हुआ है, मेरा बेबी खुद के में मेरे 2 बच्चे हुए हैं वे बांध के, और अभी तक भी यही नुस्खा आजमाती हूँ। पहले डॉक्टर की दवाई नहीं दिलवाती हूँ, यही तो हल्की सी सर्दी होती है तो इससे भी ठीक हो जाती है। और दूसरा नुस्खा है कि हमें हर सबके रसोई के अंदर किचन के अंदर वो अजवाइन तो होती है, वो सबके घर में मिल जाती है, करीबन करीबन सबके घर में मिल जाती है। तो अपने को 1 चम्मच अजवाइन लेना है, अजवाइन 1 चम्मच साबुत अजवाइन लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें, किसी के घर में साबुत अजवाइन भी होती है, किसी के घर में अजवाइन जो कि मटके फोड़ के वो तगड़े में डाल के उगा भी देते हैं अजवाइन, तो उसके पत्ते भी होते हैं। आप ध्यान से सुनना कि उसके पत्ते भी किसी के घर में अजवाइन उग जाती है, इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसके पत्ते भी मिल जाते हैं। अगर वो मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते हैं तो साबुत तो मिल जाती है, अगर नहीं भी किसी के घर में होती है 500-200 रुपये की बाजार से मंगा लेना, पैकेट मिलते हैं अजवाइन के। तो उसको हल्की सी 1 चम्मच लेना, फिर उसको तवे पे गैस पे हल्के से हल्की आंच पे उसको गर्म करना है, हल्की आंच से उसको गर्म करके और उसमें से हल्की सी विक्स मिला दो, बच्चों वाली जो बच्चों वाली विक्स होती है उसमें हल्की सी गर्म करके उसको नीचे उतार के थाली में ठंडा करके उस अजवाइन में, और फिर उसमें हल्की सी बच्चों वाली विक्स मिला दे, जो बच्चों की विक्स आती है वो मिला दे, हल्की सी विक्स मिला दे। और फिर उसको एक सूती कपड़ा लेना है जो कि इतना बड़ा होना चाहिए, तो उसको सूती कपड़े में डाल के उस अजवाइन को एक पोटली बांध लेनी है, उसको गांठ लगा के पोटली बांध लेनी है, फिर उस पोटली को बच्चे को सुंगाते रहे, ऐसे ऐसे उसको सुंगाते रहे, जब भी इतना भी सुंगाना है कि हर मतलब 2 मिनट में 5 मिनट में उसको 5 मिनट तक सुंगाते रहिए, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, उसमें उसकी अजवाइन की भी खुशबू जाएगी और हल्की सी विक्स की खुशबू भी जाएगी, उससे उसका जुकाम पक जाता है और उसकी छाती भी सही हो जाती है। अगर बच्चे के नाक में पानी आ रहा है जुकाम की वजह से तो वो भी आना बंद हो जाता है और उसके जुकाम पक जाती है तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो मैं आपको घरेलू नुस्खे बता रही हूँ, तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो और अगर कोई को किसी बच्चे को साइड इफेक्ट हो चुका हो फिर भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और लाइव वीडियो भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।